हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। चलो पहले ले लेते हैं पापा का सुविचार। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज पहले सुविचार बता दीजिए। आज का सुविचार है अपने ख्यालात आलीशान बना लो। हाँ, तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। ओके पापा, थैंक यू। ख्यालात आलीशान बना लो। समझ में आया? ओके। तुम्हें तो कुछ आएगा ही नहीं। ओके बच्चे, मतलब मन के सच्चे। चलो आ, तो अभी एजू जैसे तैसे रोते धोते गई है स्कूल पे। सुबह सुबह बहुत सारी बारिश थी, तो बारिश में जाने का मजा तो आ ही रहा था, लेकिन रोना भी आ रहा था। यहाँ पे हमारी इनोवा थोड़ी क्लीन अप हो रही है, क्योंकि कल पापा गए थे वाड़ी पे और पापा की तबीयत भी थोड़ी लथड़ गई थी। पापा को लूज मोशन हो गया, लेकिन मैं तो कहीं पे भी नहीं गई तो भी मुझे हो गया। पता नहीं अभी वेदर ऐसा है क्या है, खाने पीने तो हम घर का ही खाते, तो भी वेदर के हिसाब से तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे अभी सभी की हो रही है। कोई नहीं, बैक टू नॉर्मल हो ही जाएगा एक दो दिन में। तो यही हमारा अभी चल रहा है। अभी कानू पापा के साथ एंजॉय कर रहा है। कानू ने खाया थोड़ा सा ही, लेकिन बिगड़ा बहुत ही ज्यादा। चलो ये सब क्लीन कर लेते हैं। क्या पापा का सुविचार ले लेते, बाद में पापा फ्री हो जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। सभी लोग अपना अपना फ्रेशअप होने में बिजी है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी हमारे यहाँ सूरत में भी मस्त बारिश स्टार्ट हो चुकी है, पूरा गीला गीला हो गया है सब, मस्त ठंडा वातावरण हो गया है। और भाई ये देखो, अभी हमारा मस्त निंद्रा अवस्था में चला गया है। अभी वहाँ से यहाँ लाने के लिए हमको थोड़ी दिक्कत होगी, बोट लगानी पड़ेगी। बोट लगानी पड़ेगी, ले ले लो बर। भाभी मम्मी को बोलते हैं ड्रेस पहनो, तो इधर है ना गिरने का चांस थोड़ा कम रहे। क्यों ध्यान रखिए, आओ की बबड़ी तू जा। आज भाभी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है वापिस से, जहाँ थी अमेरिका थी आया से ने, त्यार थी कई तबीयत में मेल न था। भाभी का वजन भी कम हो गया है। कितना कम हुआ? 5 किलो कम हो गया। ओहो, 5 किलो वजन कम हो गया। सुबह सुबह में वैसे मैं और पापा फील्डिंग ही भर रहे थे। पापा कल शाम को गए थे, फोटो साफ ने वो साफ थे गए। मम्मी कोठा नहीं करे। पप्पा कल गए थे वाड़ी पे, तो वाड़ी पे थोड़े खिचड़ी विचड़ी खाई और शाम को आके वो खिचड़ी खाई, वो और जो दूध था ना वो कच्चा, कच्चा पी वहाँ का फ्रेश दूध था वो गाय का, तो वो दूध है ना हम लोगों ने वो पानी वाला दूध पिया है ना सब लोगों ने, तो हमारे वो पाचन क्रिया नहीं होती है। वैसे क्या होता है? तो कच्चा कच्चा दूध पप्पा ने पी लिया था, तो पापा को पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है और लूज मोशन हो गया है, और वैसा ही भाभी को भी हो गया है। दूध गर्म करके ही पीना चाहिए। मुझे तो पता नहीं, मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं किया, फिर भी मम्मी को अच्छा है ना, खाली मरो मूत्री गयो से। सुबह सुबह के मने दूध न पिए लगा भाई, मरा दूध न पिए मम्मी, ऐसे नहीं पीती थी दूध पी का। मम्मी सुबह सुबह बोलते हैं मने झाड़ा न था, तब 1 किलो दूध रे आ जाए वजन उतर झाड़ा करवा। रात को तो लगा था सुबह मुझे बाटला चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे को मैं तैयार कर रही थी ना स्कूल पे जाने के लिए, तो मेरा लूज मोशन में भूल गई। बच्चों के साथ रह के ऐसा हो जाता है, सब भूल जाते हैं। मांड मांड आ तो गई स्कूल। तो आज बारिश जैसा है तो क्या बनाएंगे, अभी दोपहर को भजिया भजिया बनाओ, मस्त ठंडा वातावरण है बारिश वाला। देखो मैं खाऊंगा ना ना, मेरे को नहीं रखा, मेरे को ऐसा नहीं होता है। नहीं वैसे भी आज पानी नहीं आने वाला है, सोमवार है आज, पानी का काम है, घटे आज का नहीं बने। ग्वारफली 3 दिवस थी, वो ग्वारफली है वो 3 दिन से बाहर निकालते अंदर रखते, बाहर निकालते अंदर रखते, तो आज ग्वार का भजिया बना दो। मम्मी तो मैं सूखा खाऊ, मारे तो चाक ने भाकरी काय खाऊ, मम्मी ने चाक ने भाकरी खावी, तो मैं हमणा नो खावा ने बड़बड़िया नो रखे ना, तो पानी पूरी परम दिवसे अड़े खादे के पावर, हां ई तो तू खाई बदो हारू जो का मम्मी खरी हो पूरी
મમ્મી ને પાણીપુરી ખાઈ ઉસે પહેલે સર દર્દ થી બોલી લે પાણીપુરી ખાઈ मम्मी दवाई पहले से ही ले लेते हैं। मम्मी को जो पसंद है ना वो खा लेती है ना, उसके बाद बोलती है अभी कुछ नहीं खाने का। लोग बीमार होने के बाद दवाई लेते, मम्मी हमारी एडवांस दवाई बीमारी आएगी ही नहीं, दवाई पहले ले ली। तो अभी कल के वीडियो की कमेंट मम्मी पढ़ रहे थे, मम्मी हंस पड़े। क्या कमेंट आई मम्मी? कैसे सारी का हंसे ने त्यारे कंस ने मासी पूतना ने थी एनी याद आई। इतना कॉमेडी हंसते हैं भाई, मुझे वैसे पता ही है, मैं जब वीडियो एडिट करती होती हूँ ना तभी मैं भी हंसती रहती हूँ, लेकिन वो मेरे नहीं सुधर रही है। तो क्या नहीं, हंसी तो हंसी होती है, सबकी अलग अलग होती है, अंदर से खुशी होनी चाहिए। किसी की राक्षस जैसी होती है आवाज जैसा भी आए, लेकिन खुशी में व्यक्त होनी चाहिए बराबर है। और बारिश अभी बढ़ रही है धीरे धीरे मस्त, भज्जे का मुंह में पानी आ रहा है, भज्जे का मुंह फर्स्ट क्लास, भज्जे का मुंह में पानी हो रहा है पर प्लान नहीं बन रहा है। पी ली तू ना? हाँ देखो बारिश, देखो बारिश चाका जाम, एकरा थी जो एकरा हो पण खबर नहीं था, आखो दिवस आएगा भाई बारिश। संगीता बेन में धोप धोपी दिया बारिश में, धो डाला पानी के ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला वाली के बरसात आवे छे। भाभी बोलते हैं ऊपर वाला सब देखता है जो भी करो। संगीता फिर ऊपर वाला वाली के बरसात में मैं क्या धोऊं? पहली बारिश आए और भजिया ना खाए तो वो बारिश ही क्या है। दाल वड़ा, गोटा पेटीस, बटाका पूरी, समोसा, वाह बे वाह, मिर्चा कड़ी, चटनी। जयदीप ने खाए तो आया थोड़ा वो सा उतरे। हाँ वो भी है, जयदीप वहाँ पे भी खा रहे और हम यहाँ पे भी घर पे बनाने का कुछ मेर नहीं पड़ा, बाहर से लाएंगे। क्या बोलते हार्दिक भाई? अभी चखने तो यहाँ पे भिंडी भी बनाई है, रोटी भी बनाई है, चखेंगे तो खरी पर, लेकिन क्या बता वो मुझे भी नहीं पता। काय वांदो नहीं, दो यार खाए ले तो काय पड़ी का खोलो त्यार नंबर वॉशरूम जाऊ पड़े। पटाखी खाली करी आओ पची का, वो तो है। चलो थोड़ा बहुत खा लेते, वैसे जेर जेर को मारता है, वैसे थोड़ा बहुत ये खा लेते, रोटली खा लेते, दही खा लेते, थोड़ा बहुत खा लेते, बाद में देखा जाएगा। थोड़ा खाएंगे तो ही हमारा जो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी। चलो खाना खा लेते, मस्त एकदम गर्मा गर्म भजिया है ना आदिक भाई, एकदम गर्मा गर्म मेरे सामने है। आदिक भाई ने अपने सामने ही बनवा के लाए है, तो सीजन का पहली बारिश का पहला भजिया। वैसे आज हम घर पे बनाने वाले थे लेकिन कुछ मेर पड़ा नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग वो दलसुख भाई को बुलाएंगे और स्पेशल उनके हाथ का भजिया खाएंगे। अभी क्या है कि मेरी और पापा की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग खा पाए, तो उनसे इतनी मेहनत नहीं करवानी थी, तो आज का प्लान हमने कैंसिल कर दिया। और एक दो दिन बाद मतलब शायद जयदीप आएंगे तब बनाएंगे। तो जयदीप ने दलसुख भाई के हाथ के नहीं खाया ना, जयदीप नहीं थे ना, हाँ जयदीप ने नहीं खाया है, तो जयदीप आएंगे तब बनाएंगे ना। एक बार वीडियो तो लिया था नहीं, हूँ होती ખાવાનું શીખે છે ને અમૂલભાઈ, કમેન્ટ કરીશ અમૂલભાઈ, જયદીપભાઈ બધું શીખીને આવશે ને, એટલે ભાવના બેન અને સારિકા બેન ને હેલ્પ કરશે એવું ને ઇન્ડિયા વસ્તુ મતલબ કે इंडिया में पैर रखेंगे ना, जैदी बॉम्बे में पैर रखेंगे ना, तभी से आलस उनके शरीर में आती जाएगी। वहाँ तो क्या है, दूसरे के घर पे रहने का होता है तो बल थोड़ा बल तो करना पड़ेगा। हाँ तो वहाँ पे सारी का तो होती नहीं है, तो वो सब कुछ करना पड़ता है। वैसे दूसरी और कंट्री में सब जेंट्स काम करते, पता नहीं इंडिया में क्या टीला लेके आए है, तो इधर में करते, मैं करता हूँ ना। हाँ नहीं करते, लेकिन वहाँ पे तो सब को काम करते, मतलब
कि पत्नी जाती है जॉब पे, घर पे खाना रेडी रख के वो सब है। वहाँ पर दोनों ही काम करते हैं ना? हाँ दोनों ही करते हैं, लेकिन दोनों ही करते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ इंडिया में मर्द लोगों का ईगो ज्यादा रहता है। ईगो तो ठीक है, ईगो तो नहीं इतना इतना रहता है। नहीं, कोई कोई लोगों को औरतों वाला काम यहाँ पे बता करे, छोकरा अमुक ना घरे करे, अमुक घरे तो लाइन रूमाले हुकवे नहीं। हाँ वो तो आपने हारू कहवे, वो तो है। वो क्या बोलते है, ये औरतों वाला काम हम नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे काम तो काम होता है, उसमें क्या औरत और जेंट्स होता है। नहीं मानते वो तो आपको, हाँ? आपको नहीं लगता, जो नहीं मानते वो नहीं मानते। नहाने के बाद वॉशरूम भी साफ कर देने का। हाँ, उठने ने, उठने के बाद अपना जो चद्दर होता है वो भी वो अच्छी तरह से कर लेना। और वो बहुत सारी होती है, जो आप सीखो तो अच्छा है, ना सीखो तो आपको मुबारक। ये चलो हम जयदीप आएंगे ना, सबसे पहले दिन या दो दिन का हम वीडियो बनाए। वैसे तो दो तीन दिन जेट लेग लगेगा, दो तीन दिन हम कुछ नहीं बोलेंगे, करेंगे नहीं कर, बाद में दो तीन दिन के बाद हम देखेंगे जयदीप क्या क्या करते है और कितने दिन तक करते हैं, वो भी हम दिखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलो फटाफट से खा ले तू, बहुत बातें कर। तो कनिष्क कभी बैठने सीखा, बाद में खड़े रहने को सीख गया, लेकिन घुटने पर चलना नहीं सीखा। लगता है अभी कनिष्क सीधा चलने नहीं लगेगा, खड़े खड़े है ना कानू। अभी देखो यहाँ पे खड़े खड़े, यहाँ पे दो तीन टॉयज रख देते है तो खड़े खड़े खेलते रहता है ने? तो इतनी सारी दवाइयाँ लेके मैं आई हूँ, यहाँ पे ग्लूकोज का पानी भी पीना है। और ये पता नहीं इतना पेट में दर्द मुझे कभी भी नहीं हो रहा है जितना आज हो रहा है। पूरी दोपहर तो जैसे तैसे निकाल ली, लगा रात तो मुझसे जाएगी नहीं, दवा तो मुझे लानी ही पड़ेगी। पेट में पूरा वावाझोड़ा चल रहा है, क्या है पूरा तावते भी चल रहा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी दवाइयाँ पीते देखते हैं अभी क्या फेर पड़ता है, क्या होता है। पूरी रात तो निकल जाए तो अच्छा है ठीक से। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे करते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। मिलेंगे कल कुछ नए कंटेंट के साथ। बाय।